शैतान हमेशा हमारे साथ है और उसका तो काम ही है कि वो हमें एक ज़रा से बहकाए या हमें डिसअपॉइंट करे। तो इंशाल्लाह आज हम इस मौजू को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज बातचीत के साथ उसको भी फॉलो करें क्योंकि उसमें मेरी नई अपडेट्स आती रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, बातचीत के साथ में एक बार फिर आपके साथ। ख्वातीन हज़रात, कल हमने तौबा के ऊपर बात की थी और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि तौबा जो है उसका मतलब है पलटना और वापसी का रास्ता लेना, ईमान की हालत में सिराते मुस्तकीम की हाईवे पकड़ना, ये जो है इसको तौबा कहते हैं। और एक दफ़ा जब हम पलट जाएं तो हमें मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे थे और हम किस रास्ते पे थे, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे साथ है और उसका तो काम ही है कि वो हमें एक ज़रा से बहकाए या हमें डिसअपॉइंट करे। खातर का जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मुझे इस्लामाबाद जाना है और मेरी डेस्टिनेशन इस्लामाबाद है तो मुझे अगर मैंने गलत एग्ज़िट ले लिया तो मैं वापस यू टर्न लूँगा और वापस इस्लामाबाद वाली हाईवे पर जाऊँगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ और सिराते मुस्तकीम से हट गया हूँ तो फिर मुझे वापसी का रास्ता यू टर्न लेना होगा और वापस सिराते मुस्तकीम की हाईवे पे चढ़ना होगा, सीधे रास्ते की तरफ जाना होगा। और इसके लिए एक बहुत बड़ी दुआ है, बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें एक दुआ बताई है कि जब आप सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो आप ये दुआ पढ़ें, जो कि बहुत जो ईमान वालों की दुआ है। और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 8 है और ये है कि जो कहते हैं ऐ हमारे मालिक ना पैदा कीजियो कजी हमारे दिलों में बाद इसके कि अब तो हमें हिदायत दे चुका है और बख्श हमें अपनी जनाब से रहमत, यकीनन तू है बहुत ज़्यादा अता करने वाला। उसकी अरबी है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, सदक़ल्लाहु अज़ीम। तो ये जो आयत है, ये जो दुआ है, ये आयत ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें सिखाया कि जब एक दफ़ा आप सीधे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह जब तूने हमें सीधे रास्ते पर चला दिया है अब हमारे दिल में कजी ना पैदा कीजिए। कजी पैदा मतलब करने का मतलब कि हम वापस उस रास्ते की तरफ ना चले जाएँ या हम वापस उन पुरानी आदतों की तरफ ना चले जाएँ या मायूस ना हो जाएँ। तो हमारे अगर हमें यकीन हो गया है कि ये सीधा रास्ता है तो हमारे अंदर डाउट्स ना पैदा कीजिए तो और हमें सीधे रास्ते पर चलाना और हमारे अमाल को हमारे गुनाहों को बख्श दे, बेशक तो बख्शने वाला, तो बेशक अल्लाह ही बख्शने वाला है। तो ये दुआ है। ये रमज़ान का महीना माशाल्लाह अब ऑलमोस्ट आधा तकरीबन हो चुका है तो अल्लाह ताला से इस महीने में हम दुआ करें कि अल्लाह मियां जब आपने हमें हिदायत दे दी, हमें बता दिया कि क्या करना है, क्या हमारे से अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशंस हैं और हमें पता है कि सिराते मुस्तकीम पर कैसे चलना है, और जब हम अपने गलत आमाल से कुछ बुराइयों को जिनका मैंने पिछली वीडियोस में तस्करा किया उनसे तौबा करें और उनसे बचें तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपने जब हमें हिदायत दी है कि ये काम नहीं करना ये, तो अब हमें मालूम हो गया है कि जो काम आप हमसे चाहते हैं कि हम ना करें तो हमें अब हमारी मदद करें इस मामले में कि हम इससे बचे रहें, हमें वापस हमारे दिलों में कजी न डालिए। तो ये दुआ करें हम अल्लाह ताला से आज कि हमने जिन गुनाहों से तौबा की है उनसे हम बचे रहें, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए और हमारे लिए रास्ते पर चलना आसान फरमाए। चलो आपसे मुलाकात होगी कल, और कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक उर्दू की पोइट्री जो मैंने लिखी है, एक दुआ लिखी है उर्दू की रमज़ान के हवाले से, और वैसे एक
तो कल मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा थोड़ा सा चेंज के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से हमें से दरगुजर फरमाए और हमें अपने नेक बंदों की फहरिस्त में शामिल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रमजान के महीने का एहसान उठा के देख जो कुछ का